फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, नाम मेरा मोहम्मद मुश्ताक नाम है, चंद्रान गुट्टा फुलबाग, नरखी फुलबाग का रिहायशीन हूँ मैं, और मेरे पे अटैक हुआ है साहब, अपने गुलशन इकबाल कॉलोनी के अंदर अटैक हुआ, चंद्रान गुट्टा गुलशन इकबाल कॉलोनी के अंदर। करीब 20 से 25 लोग मिलकर मेरे को मारे, और अटैक के दौरान मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बाजार को निकला था सामान लाने के लिए। सामान में जो सो जा रहा हूँ इसलिए था कि मैं मेरा फ़ोन का केबल लाने के लिए जा रहा हूँ था। मेरे दोस्त को मैं बाजफ्ता व्हाट्सअप पे फ़ोन के फोटो सेंड कर रहा था, और फ़ोन के फोटो सेंड करने के बाद जो सो केबल लाने के लिए जा रहा था, तो उस दौरान वहाँ ग्रुप ठहरा हुआ था, वो ग्रुप ठहरा हुआ था। उस दौरान ग्रुप में जो है सो वहाँ मेरे पहचान का एक बंदा भी था, तो मैं सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए जा रहा था, तो उसकी तरफ देखते हुए जा रहा था, तो उसको मारते मेरे पे भी अटैक कर दिया। हालांकि पूरे बस्ती के लोग बचा रहे मेरे को, जो बचाने आए वहाँ जो सो मेरे पीठ में खंजर भी पड़ा है, पीछे खंजर से मारे, पता नहीं कोई वेपन्स थे, और बाजफ्ता उनकी कमरों में वेपन्स दिख रहे थे, वो बीच में बचा के, हाँ बड़े बुजुर्ग थे बोल के बच गया मैं अल्लाह के करम से। खैर, वो लोग जो सो एक पुरानी खुन्नस रखे हुए, आज से 2 साल पहले ये फैज़ नाम का ही बच्चा जो सो अब्दुल लतीफ़ बोल के बच्चा है, उनके छोटे भाई को अटैक करा था, तो हम पूरे बड़े मिलके जो है सो बात पुलिस तक नहीं जाना बोल के बस्ती के, हम जो है सो रियायत करके बात करें, तो रियायत करने की वजह क्या है, दिलों में बच्चे खुन्नस पैदा कर लिए। मैं स्पोर्ट एक्टिविटी प्लेयर हूँ, तो मेरे को स्पोर्ट छोड़ के 12 साल हुआ है, तो वो भी उन लोगों के दिलों में एक खुन्नस है। अभी भी मेरे को काफ़ी सारा वो हुआ है, पीछे वार हुआ है मेरे पीठ के, मेरे तकरीबन मेरे चेस्ट के नीचे वार हुआ, एक हाथ तोड़ दिए रॉड्स थे उन लोगों के हाथ में, बाजफ्ता कैमरा रिकॉर्डिंग से, और छुपा छुपा के वेपन से वार कर रहे हैं बीच में, पूरे बड़े भी मिले हुए हैं इसमें। जाके आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस का अच्छा गुड रेस्पॉन्स था, जैसा पुलिस जैसा कि एरिया में मालूम करने आए, तो पूरे ग्रुप मिलके जो है सो मेरे खिलाफ गैर गलत बातें करना शुरू कर दिए, जैसा कि आप ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिए मेरे पे। हालांकि मैं एक 4-व्हीलर कार एजेंट हूँ, मेरा शेड्यूल भी बता सकता हूँ मैं। जी हाँ, मैं संतोष नगर PS में दिया, एरिया लिमिट PS वहाँ का लगता, पहले चंद्रान गुट्टा गया था, तो चंद्रान गुट्टे वाले बोले कि आप संतोष नगर PS को जाइए फ़ौरन। वहाँ गया, वहाँ से MLC के लिए मेरे को भेजे थे, MLC करा के करके आया मैं, तो मेरे पे गैर गलत इल्जाम लग रहे, मेरे को इंसाफ होना है। आपकी अपील एक ही है कि ये हरकतें आइंदा बार ऐसी ना हो। अब देखिए, मैं अकेला हूँ, अच्छा आपके सामने बोल रहा हूँ, आजकल के तो हालात मालूम है आप लोगों को, हैदराबाद की कैसे है मालूम है, शहर में हैदराबाद बच्चे जो है सो क्या दिलों में एक फीलिंग्स रख के जो है सो निकालने की कोशिश कर रहे, कुछ बड़ों के बर्रे पे कोई बोल रहा है कि हमारा बड़ा ये है, मार देते हम, निकाल के ले के आए थे हमारे बड़े। इसमें जो है सो मेरे को नाम तो याद नहीं है, 2 नाम जरूर ना याद है इसमें से, फैज़ सैफ एक नाम है, फैज़ एक नाम है, और एक जो जहीर बोल के नाम है बच्चे का, मालूम बहुत कम उम्र बच्चे है ये, कि बच्चों के जहनों में जो है सो गलत बातें बिठा रहे हैं मालूम, जिस तरीके की तू मार हम देख लेते, हालांकि हम भी स्पोर्ट करें, हमारे टाइम पे हमारे कोचेज जो हमारे को ये एक्टिविटीज नहीं, चाहे तो मैं भी मार सकता था उसमें, पर एक उसूलन कैदन के कैदे के कानून के हिसाब से मैं हाथ नहीं उठाया, लोग भी बचाए मेरे को, मैं कानून के पास गया, कानून अब देखते क्या फैसला लेता।